आमना शांत होने वाले। देख अपनी लुगाई को, अपनी अम्मा के चक्कर में कैसी छिली छिली सुनाई हमें, जो हम ही जानते हैं, और तू अपनी लुगाई की तरफदारी कर रहा है। तुम एक बात बताओ अम्मा। नहीं नहीं, तुम सीधी सीधी एक बात बताओ, राजेश ने तुम्हें गुजिया मनाने से मना करिए का? कोई हमें मना कर सके? जा घर में। हाँ, अपनी लुगाई की अम्मा को भी बुलवा लो। बी का करेंगी आके? दे आके गुजिया बनाएंगी और का करेंगी। क्योंकि तेरी लुगाई को हमारी गुजिया तो बिल्कुल पसंद ना आती, मजाक उड़ाती हमारी गुजिया की। अम्मा तुम छोटी छोटी बातों में ना घर में कलेश ना करो, अब बहुत हो गई। हम कलेश कर रहे हैं, और बा ने जो हमारी गुजिया को जापान को नक्शो बताओ, उससे कुछ ना कहेगा तू? ना ना अम्मा, राजेश को तो क्या है, छोड़ो ना, बच्ची नादान है वा, तुम तो समझदार हो। नादान है? हाय हाय हाय, दूध पीती बच्ची है, दूध की बोतल दे दे उसके मुंह में। अम्मा शांत हो जाओ, दादा शांत हो जाओ। अम्मा हमें शांत कर रहे हो, अपनी लुगाई से कुछ ना कहियो। ना ना अम्मा, ऐसी बात ना है, हमने राजेश को बहुत खरी खोटी सुनाई, हमने डांटो, बिल्कुल दुबक गई, डर के मारे बिल्कुल भितरे आ गई, बुत बन के बैठी, दुबक गई है बेडरूम में। तूने डांटो, तूने फटकारो, उल्लू मत बना, राजेश के सामने तो तेरे गुर्दे पीले पड़ जाते। ऐसू ना है अम्मा, ऐसू बिल्कुल ना है। इतने कौन? कटोरी कटोरी, मरना मत, मारना मत उसे। क्या है? कुछ कहना? बिल्कुल सही किया। आपका घुइया ड्यूटी चले जाए। ऐसा ससुर पहले से लंका लगी भाई है, ऊपर से सारे ऐसे चिरांद लौंडा लपाड़ी पैदा हो गई। अच्छा खासा हैंडपंप चोरी का केस मिला था, साला लेट हो गए, बच्चों ने गीला कर दिया, जो के चक्कर में ना हम तो अगर अदालत लेट पहुंचे तो बहुत ही खतरा हो जाएगा। अरे का गुरु, कहां भागे जा रहे हो? है गंगा में जा रहे, डूबने छलांग लगाने जा रहे, चलने हैं? बड़ा गीले गीले गरमा रहे हो, गुस्सा रहे हो, क्या बात है? अच्छा ना होगा यार, होने का है ससुर, ब्याह कर लू एक बार फिर बस भाई, औरतन वाली बवाल। मतलब बहुत बुरी तरह से रायता फैल गया है, हैं? पूरी तरीके से? अरे बहुत ज्यादा फैल गया यार, भाव का चुन नहीं है ससुर। बढ़िया राजेश गुजिया बना रही थी, थाली में सजा के अम्मा के पास लेके गई, बोली अम्मा गुजिया। अरे वाह, बस अम्मा के मुँह से अचानक ऐसे निकल गो कि बहू गुजिया टेढ़ी बनी। बस इतनों कहने तो ससुर के बाने अपनो पूरो सुना दो। बस फिर बकाया बवाल हो गो, बोली अम्मा तुमसे तो पिछले साल और ना बनी थी, हमने तो सिर्फ टेढ़ी बनाई, तुमने तो चीन और जापान को नक्शा बना दो, तो गुजिया तो दिखाई ना रही थी। फिर अम्मा को ले, एक है तो शेर एक सवार से ससुर, फिर उनके खानदान में घुस गई अम्मा। ऐसे मामले में ना बिमलेश बहुत सही औरत है, मतलब एकदम कंटाप औरत है। यार आदमी है के पजामा, हमें तो अपने घर को कलेश बता रहे हैं, तू को बिमले सूझ रही है, नहीं कोनो तरीका है जो? एक आदमी परेशान आके, हम कह रहे कि तुम दोनों को समझा देते बस। नहीं तो तू को क्या लग रहा है कि हम अम्मा और राजेश के संग में ऐसे लूडो खेल रहे थे? अच्छा मतलब न समझी, मतलब मामला पेचीदा है। अरे यार बहुत ज्यादा पेचीदा है, अब तो मतलब अम्मा तो बिल्कुल जिद पे अड़ गई है कि अब ऐसी बात कह दी राजेश ने तो अब सारी मना लियो, अब मना लियो होली, होली ही ना मनेगी। तुम्हें हम कसम से बताएं, हम पक गए हैं बस। अरे यार एक बात बोले गुरु, बुरा मत मानो, बोलो। ऐसे परिस्थिति में बिमलेश जो आइडिया लगाती है ना, कसम से का दिमाग है, बहुत बढ़िया। काम करना कि सारे कपड़ा फाड़ ले पूरे,
और गुदवाले पूर्व पूर्व सारे ऊपर से लेके नीचे तक गुदवाले नाम बिमलेश लिखवा ले। बिमलेश के नाम को गजनी हो जाते। गुरु ऐसा है ना, बिमलेश का नाम हमारे हृदय में आत्मा में बचपन से गुदा हुआ है, जन्म से कर्ण टाइप। दादा जो बिमलेश की रट लगाते है ना बिमलेश बिमलेश, एक दिन ऐसो नशा उतरेगा तेरो। हम ना बता रहे हम, ये साहित्य तुम न समझोगे गुरु, ये नशा जीवन में कभी नहीं उतरेगा। काय? क्योंकि मुझे लगता है मैं स्वयं विमलेश हूं। सुन सही कर, इलाज करवा यार तू अपनो, अच्छे डॉक्टर को दिखा यार अपने आप को। सारे बच्चे आ गए, कोई रह तो ना गाऊ। यस ऑल चाइल्ड इज हियर, ओनली आयुष्मान ही इज रीडिंग। आ तो उसे बता दियो। रे दादी यो इमरजेंसी मीटिंग किसलिए बुलाई सा तन्ने? जे मीटिंग इसलिए बुलाई है, कान खोल के सुन लो, इस घर में कोई होली ना मनाएगो। होली ना मनाएगो? अरे पर क्यों, होली के दिन होली नहीं मनाएंगे तो क्या दिवाली मनाएंगे? ओए पतलू पूरी बात सुन, पजामे से बाहर निकल रहो है। हाँ तो दादी बताओ ना क्या बात है। पूरी बात ये है कि इस घर में कोई होली ना मनाएगो। But grandmother, we not playing होली, why? अम्मा, दबाई। मम्मी जे दादी के कह रही से। का बोल रही? कह रही से कि इस बार घर में कोई होली ना मनाएगा। हाँ तो ठीक कह रही, जगर में होली नहीं मने। No mother, we always pissing like ghun in your fighting. ओए क्वीन विक्टोरिया, ज्यादा अंग्रेजी में गिटर पिटर ना कर, और जो कहो जा रहे हो ना चुपचाप मान। चुप। यो बेचारी तो कब से होली के इंतजार में थी, तन्ने इसके सारे अरमानों पे फ्लश चला दिया दादी। तो तुम इतो कहो चक रही हो, मजाक नहीं हो रहा होते, समझ में आई? अब बात बहुत आगे बढ़ गई है, एक बात ध्यान से सुन लो, जगर में होली नहीं मने है। मलाइका ये जिम्मेदारी मैं तुझे सौंप रही हूँ, तो को बड़ो शौक है ना पुलिस वाली बनने का। तू पुलिस वाली बन के इस घर में जे बात का ध्यान रखेगी कि कोई होली ना खेलेगो, और इस घर में जिसने होली खेली वा को तू पीटेगी, भले ही वो तेरा बाप ही क्यों ना हो। मैं कसम खाती हूँ कि अब कोई होली ना खेलेगा इस घर में। ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है। क्या हुआ साहब, पान में ज्यादा चूना हो गया क्या? अरे यार कछू ना भाओ, हमारे घर में ऐसी महाभारत चल रही है कि हम क्या बताएं, जिंदगी हमारी जी को जंजाल हो गई है। राजेश को फोन लगा रहे, देख रहे सोचो शायद गाड़ी पत्री पे आ जाए। हेलो हेलो, हमने कही हेलो। बोलोगे भी कि हलाई के रह जाओगे? आओ, हमने कही का कर रही? मरबे को इंतजाम और कछु। मर तो हम रहे सोसो जी, कैसी बातें कर रही तुम यार, हैं ऐसो ना कहो करो, हमें बुरु अलग जातु है। अच्छा सुनो, हम का कह रहे तुम हमारी बात? नहीं नहीं बोलो। कछु नहीं कहे, अम्मा ने आके जीप पकड़ ली का जो बोल नहीं पाए रहे। अरे यार तुम हर बात में अम्मा को काय घुसड़ देती हो। हम तो जो चाह रहे कि सीधो सीधो मामला जो है वो शांत हो जाए। होएगा जो तो शांत होने हो, तो समझ में आई बात? और जब मुद्दे पे बात करनी तो फोन धरो तुम। अरे यार कैसी बातें कर रही तुम, राजेश त्योहार इतने पास है, त्योहार सर पे आ गए, कलेश कर लो अच्छी बात ना है जटेम पे। हाँ तो जब बात तुम अपनी अम्मा को भी समझा सकते हो ना, हाँ जो हमें बोल रहे हो। हाँ, तो अम्मा को भी बोलेंगे दादा,
पहले तुम तो शांत हो जाओ। हाँ तो उन्हें को बोलो शांत होने को, हमसे ना बोलो और तुम शांत हो जाओ। आए बड़े शांत कराने वाले, धरो फोन। काट दो फोन, देख रही माहौल माहौल है सुबह सुबह। राजेश तो एकदम ततैया हो रखी है, राजेश को फोन करके तो बात बनना रही, हम मई के फोन लगा रहे, शायद मामला शांत हो जाए। हैं? आओ आओ। अरे चैन ना घुस रहा है, चैन ना चार्ज हो। हेलो अम्मा, हम बोल रहे तुम अजयगर के टुकड़ा हप्पू। अरे तू सलमान बोल रहा होगा हमारे ठेंगे पे। लगता है अम्मा तुम्हारा गुस्सा शांत ना भाव। अबे ना गुस्सा शांत करके का करे नाचे। ना ना हमारो अम्मा का कहना है, हमारी बात ध्यान से सुनो। हम सब जो चाह रहे कि देखो सब मिलजुल के होली मनाए प्यार से। तू जे चाह रो है कि सब मिलके होली मनाए, हम किसी को अकेले भी होली ना मनाने देंगे। अरे अम्मा तुम तो आ रही हो तुम। अच्छा छोड़ो, राजेश की तरफ से भी हम माफी मांग रहे। खुश नास पीटे जिंदगी भर तू ही माफी मांगियो। तेरी लुगाई ना मांगेगी, वो बड़ी महारानी हैगी। अरे अम्मा कैसी बातें कर रही, हम में और राजेश में कोई अंतर है का? शांत हो जाओ अम्मा, शांत हो जाओ। देख तू अपनी बीबी को वकील बनने को कोशिश ना कर, नहीं तो हम नींबू निचोड़ देंगे। हमारी बात कान खोल के सुन ले, जा घर में होली ना होएगी। जे हमाओ फैसलो है, फोन रख, हमारी बैटरी खत्म हो रही है, रख। अरे बैटरी जा रही सोचो, और इतने लौंडा की समझाते समझाते बैटरी डाउन हो रही है, बाकी कछु नहीं। ड्यूटी करें कि जो करें। ताने कब तक बिमलेस आएगी जिंदगी में, कपड़े हम धुले जा रहे हैं। बेनी हेलो अंकल। बेनी अंकल हाय। हाय हाय हाय, कैसे हो आप लोग? वी आर नॉट गुड अंकल। हैं क्यों, क्या हुआ? राजेश और चाची में फिर से झगड़ा हो गया का? मदर एंड ग्रैंडमदर रोज डेली डू माउथ फाइटिंग। माउथ फाइटिंग तो बिकॉज ऑफ दैट शी इज टेलिंग मी एंड कमलेश दैट नो बॉडी इज प्लेइंग होली इन द हाउस। ओहो तब क्या करोगे तुम लोग? We are come for a request. Please pull any solution from your advocate mind, Benny uncle. नहीं नहीं भैया, हम जो है चाची और राजेश के लफड़े में बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। कई बार जो है झापड़ खा चुके हम चाची से। नहीं। Uncle please ना, what if you eating slap from grandmother? Grandmother loves you uncle. अरे चाची के प्यार से क्या है? बिमलेश प्यार करे तो फायदा होए। What? What you just tell right now, uncle ji? नहीं नहीं कुछ नहीं, मतलब हम इस लफड़े में बिल्कुल नहीं भैया। Please don't let us go with empty hand, Benny uncle, please. Benny uncle, we coming from far away with lots of hopings. Put yourself in our place. I know today you are very old, yeah? But before some days you are like a boy, like me. Whenever you like a boy, your mind also play holy, dhichuk dhichuk, you know uncle? And mother also telling me that you was playing holy with mother's sister Bimlesh. Kaash Bimlesh yahan hoti. What you telling? Nahi nahi matlab tumhari Bimlesh mausi is baar holi mein aayengi ka? No, Bimlesh mausi is not coming because mother is not well na. Nani mari nahi tumhari. Please uncle, don't plus our ambition. Hai? Ambition, अंकल। ओह, हाँ, ठीक है, हम कुछ सोचते हैं। तुम लोग जाओ। How cute. Underwear. आपका ही है। अरे जाओ। Bye, अंकल। Bye, bye, bye. अरे personal matter है। नहीं, जेका भेज दियो है, अतबीर भैया ने। खेलेंगे बस हम चोली, खेलेंगे हम होली, खेलेंगे हम।
हम होली चाहे भीगे चाहे भीगे तेरी चुनरिया चाहे भीगे रे चोली खेलेंगे हम होली होली हो। स्वर्ग में नींबू निचोड़ रहे होंगे, हमें यहाँ छोड़ दिया। हे भगवान, कब उठाएगा हमें? ले ओ, दुश्मनी हमसे है जो दवाई से नहीं। ले ओ। तेरी जैसी कड़वी है। अरे चाची, चाची राम राम। राम राम। राजेश का होएगो? अरे हम कह रहे हैं सब खैरियत। हाँ सब खैरियत है। तुम्हें का बीमार लग रहे हैं हम? अरे नहीं नहीं, उड़ती उड़ती खबर मिली है कि तुम दोनों में झगड़ा उगड़ा हो गया है। हाँ है गो झगड़ा। तू बड़ो पंच परमेश्वर है रखो है जो हम आओ झगड़ो सुलझाने आओ है। अरे नहीं नहीं चाची, देखिए BLLB किए हैं, ला किए हैं, तो मतलब वकील तो ही हैं। हाँ तो अपनी वकालत ना कहीं और झाड़ो, अपना काम देखो जाओ। अरे इतना गुस्सा भी अच्छी बात नहीं है राजेश। एक मिनट रुको। क्या कह रहे थे? आओ सुनो, इधर आओ इधर आओ। हप्पू कह रहा था चाची कि तुम दोनों ने मिलकर फैसला किया कि इस घर में होली नहीं मनाएंगे इस बार। हाँ क्यों है फैसलो? तो तू अपनी मुंडी बीच में क्यों घुसा रहा है? ए, नहीं नहीं चाची, मतलब ये भी कोई बात हुई है, मतलब होली का त्योहार है और मतलब ऐसे में तो दुश्मन भी अपने गिले शिकवे भूल करके आपस में गले लगते हैं, और ऐसे में जो है आप और राजेश तुम दोनों मतलब दुश्मनी पाले बैठे हो, ये ठीक बात है क्या? नहीं नहीं आप चलो, अच्छे बच्चों की तरह आपस में गले मिलो, चलो। ओ बेनी, तुम ना अपने पजामे में रहो, हमारे मामले में ना कूदो।
कितना फर्क है राजेश तुम में और बिमलेश में, है चाची? है मतलब एक तरफ बिमलेश है जो कि हमेशा हंसती रहती, गुस्सा उसको छू के भी नहीं जा सकता, और एक तरफ आपकी बहू है, बचपन से जो है राजेश हमेशा गुस्से में फूल के कुप्पा हो जाते हैं। नहीं तो क्या करें, तुम्हारे दोस्त बिमलेश की शादी करवाए दे। नहीं नहीं बिमलेश तो हमारी है। क्या कह रहे हो तुम? मतलब बिमलेश जो है हप्पू से शादी करके तुम्हारा घर थोड़ी ना तोड़ेगी, मतलब ऐसे उसके संस्कार नहीं है। बिमलेश एक बहुत ही सीधी सादी सरल और ईमानदार लड़की। बिमलेश निश्चल है, बिमलेश का हृदय एक अबोध बालक की तरह साफ। एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही कि तू इते हमारे झगड़ो सुलझाने आओ है कि बिमलेश की कव्वाली गाने आओ है। अरे नहीं नहीं चाची, हम तो आप दोनों की सुलह कराने के लिए यहाँ आए, लेकिन क्या है ना कि बच्चे बहुत परेशान है और हम भी ये सोच रहे थे कि बिमलेश अगर होली चल। बढ़वाओ सुलह करवाने वाला।